नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार एंगलर पीएम चैनल से आपका सबका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि मोनोलाइन के बारे में। तो मोनोलाइन की जो किसी भी मोनोलाइन में दोस्तों ये फायरफॉक्स की है दोस्तों, 50 mm फीडर लाइन है और इसकी लाइन कैपेसिटी 20 kg का कैपेसिटी दिया है कि ये 20 kg तक वजन उठा सकता है। तो दोस्तों इसकी भी टेस्टिंग करेंगे और ये पेन कंपनी की मारिनियर है दोस्तों, ये पेन कंपनी की है और ये 43 mm और इसका ड्रैग कैपेसिटी दी है दोस्तों 9 kg दी है। तो ये दोस्तों थर्ड अनविजिबल ये लाइन है दोस्तों और ये 45 mm में है और इसका लाइन कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी दोस्तों है 16 kg। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग करेंगे तीनों की भी और कौन सी लाइन हिसाब से है क्या नहीं वो मैं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, खींचेंगे कितना लोड लेती है तो दोस्तों इस हिसाब से। तो दोस्तों ये काटा से हम खींचेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये थर्ड अनविजिबल इसके 40 mm है और इसकी लाइन लोड कैपेसिटी दोस्तों 16 kg है। तो इसके पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और ये 45 mm में है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा इतना तो रखेंगे दोस्तों, कितने में टूटती है जरूर बताएगा, समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो काटा पहले चालू करते हैं और देख सकते हैं 0-0 हो चुका है और यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, फिर से 0 टारगेट करना पड़ेगा। हाँ तो आप देख सकते हैं 0-0 ये पीछे टारगेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं 0-0 अभी खींचेंगे दोस्तों। तो कितने में ये टूटती है वही बताऊंगा दोस्तों मैं, 15, 16, 17, 18, 19 दोस्तों खींचने के बाद 19 तक गया है दोस्तों और इसने दोस्तों 16 kg का है तो ये बहुत ही बढ़िया लाइन है दोस्तों। तो फिर से मैं खींच के देखो कितने में टूटती है दोस्तों। तो ये 17 kg तक गया था दोस्तों, तो मेरे ख्याल से 20 kg के आसपास तो जाएगा ही क्योंकि कंपनी ने दावा किया है 16 kg और ये 17 kg तक गया था दोस्तों। तो मैं फिर से खींच के देखता हूँ। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, फिर से टारगेट करता हूँ, 0-0 हो चुका है दोस्तों और खींच रहा हूँ मैं अभी 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20 बाप रे दोस्तों, नहीं हो रहा, ये खतरनाक लाइन है दोस्तों, बहुत ही डेंजरस लाइन है दोस्तों। ये 45 mm में है और इसकी कैपेसिटी दी है दोस्तों 16 kg दोस्तों, ये बहुत ही डेंजर लाइन है मेरे हिसाब से, बहुत ही खतरनाक लाइन है। तो दोस्तों ये मेरे हाथ से टूटी नहीं, 20 kg तक मैं खींच 21 kg तक खींचा है, अभी ये 21 kg तक गया था, बहुत ही बढ़िया लाइन है, अभी टूटी नहीं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया डेंजरस लाइन है दोस्तों, 45 mm में है और खतरनाक। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग तो हो चुकी है, ये काफ़ी बढ़िया लाइन है और थर्ड विजिबल। तो हमारी नंबर कौन सी हो रही थी वही हिसाब से मैं बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट लाइन है दोस्तों हमारी फीडर फायरफॉक्स की दोस्तों, पावर फायरफॉक्स पावर स्ट्रांग फीडर लाइन 50 mm और 20 kg। तो इसे यहाँ पे तो 20 kg बोला है और इसको भी मैं देखता हूँ टेस्टिंग करके। वैसे तो पानी में इसका टेस्टिंग किया था, बहुत ही बढ़िया रही है इसकी कैपेसिटी, बहुत ही अच्छी रही है और खींचती है मछली को बहुत अच्छी। तो पहले टारगेट करते हैं 0-0, सॉरी दोस्तों टारगेट 0-0 और अभी देख सकता हूँ मैं खींचूंगा। तो टारगेट करना पड़ेगा फिर से,
आगे। सॉरी दोस्तों, काटा चेंज हो गया केजी। ओके दोस्तों, तो मैं दोस्तों अभी खींच रहा हूं और चार, सॉरी दोस्तों फिर से, तो दोस्तों चार पांच छ आठ नौ दस ग्यारह पंद्रह, नहीं दोस्तों 15 केजी में आके टूट गया ये, तो मेरे हिसाब से ये 15 केजी में आके टूट गया लाइन, तो ये 20 केजी दिया है, कुछ खास रिजल्ट नहीं रहा दोस्तों, देख सकते हैं ये टूट गया। इसका कैपेसिटी दोस्तों बहुत ही बढ़िया गया है और कंपनी का दावा है फायर बॉक्स का 50 mm दोस्तों, ये बहुत ही 50 mm, तो ये है 45 mm में है और ये 50 mm और 15 केजी में टूट गया, तो ये मेरे हिसाब से सही लाइन नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों इसकी तो फेल हो गया, और अभी इसकी बारी है पेन की, पेन कंपनी का ये 43 mm में है और 9 kg, ये शायद 9 kg कम दिया है, जल्दी ये 9 kg पकड़ लेगा क्योंकि 9 kg इतना तो नहीं रह सकता। तो सबसे पहले काटा लगाएंगे और टारगेट किया है, अभी खींचूंगा दोस्तों, तो अभी तो 2 kg 3 kg 4 kg और 5 kg 6 7, तो ये 7 में ही टूट गया दोस्तों, तो ये भी कुछ 7 में टूट गया दोस्तों, 9 kg दिया है कंपनी का दावा है 9 kg, तो ये 7 में टूट गया, तो यहाँ पे जीत गया है दोस्तों थर्ड मॉडल आए। यदि किसी के पास भी हो दोस्तों तो ये ले लेना जरूर, इसका बेहतरीन रिजल्ट रहेगा, ये बहुत ही स्ट्रांग लाइन है मेरे ख्याल से दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है और मैं मंगाऊंगा दोस्तों ये लाइन, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अभी ये दोस्तों इसका कैपेसिटी दोस्तों 16 kg बताया था, वो ये 21 kg तक गया था, फिर भी टूटा नहीं, मैं बहुत खींचा लेकिन टूटा नहीं, ये बेहतरीन लाइन है दोस्तों, तो ये जीत गया है दोस्तों थर्ड ऑनलाइन अनविजिबल। तो ये 45 mm में है और 21 kg तक गया, इसका कैपेसिटी 16 kg है, तो ये जीत गया दोस्तों, ये इसने पेन को भी हरा दिया और फायरफॉक्स का जो फीडर लाइन है दोस्तों पावर स्ट्रांग 50 mm, ये 50 mm है, इसको भी हरा दिया, बेहतरीन दोस्तों, तो इसका रिजल्ट बेहतरीन है। तो दोस्तों हमारा मुझे यह ना कि यही कहना था कि टेस्टिंग करना था मुझे, यही धागा दोस्तों, ये भी बहुत 50 mm में बहुत बड़ा धागा है और ये 45 mm में है, हाँ 45 mm में, किंतु इसका कैपेसिटी 16 kg दिया है और ये गया 21 तक और टूटा भी नहीं दोस्तों, उसके बाद मुझे खींचने में तकलीफ हो रही थी, मैंने रुक दिया और ये जीत गया है। और पेन का तो 7 kg में डम हो गया, 9 kg दिया है और 7 kg में टूट गया, तो दोस्तों ये जीत गया। आपको यदि लेना है तो ये ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लाइन है। यदि वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी तो जरूर बताना और कमेंट भी करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों इन तीनों लाइनें का मैंने टेस्टिंग किया और इसमें जो थर्ड लाइन है दोस्तों, ये पेन है, पेन कंपनी का, ये 9 kg ड्रैग दिया है और 9 kg में आके 7 kg में आके टूट गया, और ये इसका 20 kg दिया है और ये 13 kg में आके इसने दम तोड़ दिया, और ये थर्ड जो है दोस्तों इसका 16 kg दिया है और ये जीत गया दोस्तों, 21 kg तक गया है और टूटा नहीं, बेहतरीन लाइन है दोस्तों ये।